Hello students, welcome to EduPride, Pride with Excellence, your solution for all competitive exams. This is Atul Mishra, your English faculty. हमने पिछले वीडियो में नाउन कंप्लीट किया था. आज हम नाउन की कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है. पिछले कुछ दिनों में एरर को ए बी सी डी ना बनाकर उसके पार्ट कर पूछ रहे हैं. नो एरर का कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है. अब पहला सेंटेंस क्या है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर. एक चीज याद रखिए, पहली बात तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है. वन ऑफ के बाद जो भी नाउन लिखा जाएगा वो प्लूरल लिखा जाएगा, और प्रपोजिशन के पहले जो लिखा जाता है वो सब्जेक्ट होता है. ये बात याद रखिए. अगर बिगनिंग में मैंने कहा एनिमल इन दीज बारबेरियंस, नो नो मर्सी, तो गलत हो जाएगा. एनिमल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है नोज. ऐसे ही वन ऑफ हर के बाद बेसिकली नाउन तो प्लूरल होना चाहिए. अब बिलीव का प्लूरल क्या बनता है, तो बिलीव का प्लूरल बिलीव्स बनता है. ये उन चंद नाउन्स में से है जो एफ पर एंड तो होते हैं बट उनमें वीएस नहीं लगता. क्यों? बिलीफ नाउन है और बिलीव वर्ब हो जाता है. अगर मैं लिखता बिलीव्स तो वो वर्ब की तरह यूज होता. वन ऑफ आर के बाद क्या आ रहा है, नाउन. नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर. तो कहां एरर है, सी में. वन ऑफ आर फर्मेस्ट बिलीव्स, वही चीज. वन ऑफ के बाद नाउन, कॉन्वर्सेशंस. In one of our initial conversations, she informed us that she had lost her husband in a bus accident. All the girls students, गलत हो जाएगा क्योंकि girl यहाँ पे कैसे use हो रहा है, adjective की तरह. Girl students या female students better word होता है. Female students, right? All the female students. यहाँ पर एक चीज और notice कर लें. All के बाद दी आएगा या पजेसिव केस आएगा, पहले नहीं आएगा, इधर नहीं. मतलब दी ऑल गर्ल्स तो हम वैसे भी नहीं लिख सकते. ऑल द फीमेल स्टूडेंट्स, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, राइट. अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मेजोरिटी. मेजोरिटी के लिए क्या होना चाहिए, इज. राइट, कप फुल्स ऑफ टी. कप फुल का प्लूरल क्या होगा, कप फुल्स. हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा, हैंडफुल्स, कप फुल्स ऑफ टी. मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सिंगुलर प्लूरल अच्छे से कर लें, उनको निकाल कर अलग लिख लें जिनमें दिक्कत होती है, राइट. इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स, गलत बात है. इलेक्टोरेट खुद प्लूरल होता है. इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, ये प्लूरल. पुलिस, पीपल, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं. इनमें एस वी एस और आई एस नहीं लगता. अब देखिए पुलिस का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनेगा, पुलिसमैन, पुलिसमैन, राइट. पोल्ट्री, पीजेंट, पीजेंट, पीजेंट्स. क्लर्जी, क्लर्जीमैन या क्लरिक, क्लरिक्स या क्लर्जीमैन. कैवेलरी, कैवेलियर, कैवेलियर्स, राइट. इलेक्टोरेट खुद प्लूरल होता है, उसमें एस नहीं लगेगा. इलेक्टोरेट, पीजेंट्री, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं. तो इलेक्टोरेट में एस नहीं लगेगा. द प्रेजेंट डेटा शोज दैट द इलिटरेसी रेट इंडिया हैज फॉलन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. डेटा प्लूरल होता है तो डेटम होना चाहिए, राइट. और शोज, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट अ बंडल ऑफ,
100 रुपी नोट्स, देखिए 100 रुपी यहां पर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नोट नाउन है, तो उसकी पॉकेट में 100 रुपए के नोट का बंडल रहता है। पहली बात तो एडजेक्टिव की परिभाषा गलत है। मॉडर्न इंग्लिश कहती है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, राइट। जो बताए भाई 500 रुपए का एक नोट, तो आपको नोट मिलेगा उसकी कीमत क्या होगी? 500 रुपए। अगर 500 रुपए चाहिए होंगे तो 100 के 5 नोट नहीं ले लेंगे किसी से। भाई आप क्या कहते हैं 500 रुपए देना, या क्या कहते हैं 500 का नोट पड़ा है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 100 रुपए के नोटों का बंडल, तो नोट की कीमत 100 रुपए है, क्या होना चाहिए 100 रुपी। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अगले में भी वही चीज है, रनिंग अ 5-स्टार होटल, 5-स्टार एडजेक्टिव है, नाउन क्या है होटल, रनिंग अ 5-स्टार होटल, रनिंग अ 5-स्टार होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन अवर अकाउंट। He gave me two important, देखिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप जैसे एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज, आर्टिलरी, मशीनरी, सीनरी एटसेट्रा, इनमें SVES नहीं लगता, अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन। तो अगर इनका सिंगुलर प्लूरल बनाना है पीछे बनाना पड़ेगा आकर, अ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ, तो टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लगेज, ज्वेलरी, मशीनरी, स्टेशनरी, इन सब के प्लूरल में SVES और IES नहीं लगता, तो इनका सिंगुलर प्लूरल स्पेसिफिक कैसे बनेगा, अ पीस ऑफ एंड पीसेस ऑफ। चेयर इज अ फर्नीचर, गलत माना जाएगा, चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। सेम एडवाइसेस, अभी आपने पढ़ा एडवाइस का नहीं होगा, राइट, योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनम एंड नोबडी कैन चेक इट, बिल्कुल सही है। फिनोमिनन सिंगुलर होता है और फिनोमिना प्लूरल होता है, उन सिंगुलर प्लूरल को अच्छे से पढ़ने, बार बार कह रहा हूं जो दिक्कत देंगे। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क नहीं होता, अ पीस ऑफ होमवर्क, फिर वे चीज पुलिस, 5 काउंटेबल क्या होगा, 5 पुलिसमैन, पुलिस प्लूरल रहेगा, अगर सिंगुलर प्लूरल बनाना हो तो पुलिसमैन, पुलिसमैन। द शीफ्स, गलत बात, शीफ का प्लूरल शीफ्स होता है, अगर वर्ड एफ या एफ ई पर एंड होता है उसके प्लूरल में वीईएस लगता है, बारिंग द एक्सेप्शन। शीफ होता है जिसमें से, शीफ ऑफ कॉर्न, भुट्टा जिसको बोलते हैं, गेहूं के बाल या बाली को, धान के बाल या बाली को, पैडी की जहां पर दाने होते हैं उन्हें शीफ बोलते हैं। ये वन वर्ड में पूछा गया। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटेबल कंडीशन ऑफ, ठीक है। आफ्टर ही हैड, ही सेड, ही हैड टू बी, एनी के बाद, देखिए एनी के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, लैप्स एनी एडजेक्टिव है, विच मीन्स वॉट, जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब भी नाउन वापस आएगा, सो बी वेरी क्लियर, पहले तो ग्रामर की परिभाषा सही करें। ग्रामर टॉपिक्स नहीं है, ग्रामर है वाक्य को इस्तेमाल करना। तो अगर आप वाक्य लिख रहे हैं, एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंडेंट तो हो गई, तभी तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, भाषा के टुकड़े, व्याकरण के टुकड़े नहीं। ही सेज, वही चीज, अ 2-माइल एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा, सही क्या होगा, अ 2-माइल वॉक, मतलब एक वॉक, उस वॉक में कितना चलना है, 2 मील, एडजेक्टिव का। हैव्स और हैव नॉट्स, हैव नॉट्स, हैव्स होते हैं जिनके पास संसाधन है और हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है, अमीर या गरीब, कहते हैं ना
हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली होता है विद हेट, नफरत से, विद हेट्रेड रादर, हेट तो नाउन वर्ब हो जाएगा, विद हेट्रेड नफरत से क्या करते हैं, द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स, रादर दे शुड एनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, जिनके पास चीजें हैं, पैसे हैं, अमीर हैं, उन्हें उन लोगों को नफरत से नहीं देखना चाहिए जिनके पास शायद इतने संसाधन नहीं है, जो इतने वेल ऑफ नहीं है, रादर उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो मेहनत कर सके, और यहां पर क्या होगा, हैव नॉट्स, स्ट्रैटम्स नहीं होता, स्ट्रैटम सिंगुलर है, उसका प्लूरल स्ट्राटा है, अगर वर्ड यूएम पे एंड होता है, डेटम डेटा, स्ट्रैटम स्ट्राटा, इराटम इराटा, बार बार कह रहा हूं वो सिंगुलर प्लूरल निकाल के अलग रख लीजिए। देखिए सारी बुक्स रेडीमेड हैं, उनको बनाइए टेलर मेड अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी को 25 नहीं आते हो या किसी को 50 नहीं आते हो, दिक्कत क्या है, बुक के अकॉर्डिंग जिसको 25 नहीं आते हैं उसे भी 50 पढ़ने हैं, जिसको 50 नहीं आते उसे भी पढ़ने हैं, कॉपी पेस्ट करके सब लिखे हुए हैं, तो बेटर है वो निकाल के अलग करिए जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में वही प्रॉब्लम देंगे, और अगर वो कम हो गए तो बुक आपके अकॉर्डिंग हो गई ना, बाकी आपकी श्रद्धा, ज्ञान तो वैसे इतना बटा पड़ा है। खैर चलिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सही है, देखिए गलत है, सिस्टर्स इन लॉ होगा, फर्स्ट वर्ड का प्लूरल होगा, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें फर्स्ट वर्ड का, तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, बार बार क्या उसको अलग करके लिखिए ताकि दिक्कत ना है, जो पूछ सकते हो वही चीज, द ब्रदरन ऑफ हिज लोकेलिटी, ब्रदरन खुद प्लूरल होता है, ब्रदरन आर ऑलवेज अ डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खंजर निकाल लेना, खंजर निकाल कर कोई प्यार की बात नहीं करता, राइट, एट वॉर झगड़ने को तैयार रहते हैं एनी अपेरेंट रीजन, और ब्रदरन होता है पीपल ऑफ अ कम्युनिटी, ये एसएससी ने और मुख्तलिफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने इनको वन वर्ड में भी पूछा है, ये वन वर्ड में भी आते हैं, क्लियर है, आपने वो सेंटेंस देखे जी नाउन को कैसे पूछ सकते हो, और मोस्टली सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको निकाल कर फॉर गॉड सेक अलग लिख लें, बुक को रेडीमेड से टेलर मेड कर लें, राइट, लोफ ऑफ क्या होता है, ब्रेड्स, राइट, ब्रेड को या तो पीस में लेते हैं या लोफ में या स्लाइस में, राइट, ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता है, एक्चुअली है क्या, हमें तो ब्रेड रोटी बताई जाती है या चपाती, इंग्लिश में चपाती एक्सेप्टेड वर्ड है, ब्रेड बेकरी का प्रोडक्ट है, वहां पे एक स्टेपल डाइट में उनके ब्रेड इंक्लूडेड है, जैसे हमारे यहाँ रोटी, हमारे यहाँ मुहावरे होते हैं रोटी को लेकर, रोजी रोटी, 2 जून की रोटी, इंग्लिश में रोजी रोटी को क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और उस पर लगाने के लिए बटर, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, आई विल नॉट लेट यू चीट मी, ब्रेड बटर दैट बोथ एंड्स, जहां ब्रेड पर दोनों छोर पर क्या लगा हो, बटर, बहुत फायदे की सिचुएशन में होना, ब्रेड की इंपॉर्टेंस ऐसे पता चलती है, एक मुहावरा और होता है बेकर्स डजन, वेस्ट में ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे यहाँ रोटी, राइट, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, ड्राई ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, इतनी तरीके की ब्रेड्स क्यों हैं, इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं मिडिवल लंदन के बेकर्स ने चीटिंग शुरू कर दी थी, कम तौल कर देते थे, तो किंग तक बात पहुंची, किंग ने बेकर्स के लिए कंपलसरी कर दिया कि दर्जन में एक एक्स्ट्रा देंगे, तो बेकर्स डजन क्या हो गया, 13,
ब्रेड के तीन मुहावरे भी हो गए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर देन बोथ हैंड्स एंड बेकर्स डजन। ब्रेड के क्या होते हैं, लोफ, स्लाइसेस या पीसेस। द शॉप सेल्स 10 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, अब वेराइटीज ऑफ वॉट, राइस, राइस हो नहीं सकता, राइसिस नहीं हो सकता, रेस तो है नहीं। द पुलिस अप्रिशिएटेड ड्राइवर्स ऑनेस्टी, एपोस्ट्रोफी एस के बाद आप नाउन लिखते हैं, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ये दोनों तो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव है, और ऑनर रिस्पेक्ट होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी। डैश इज द पंक्चुअलिटी, पंक्चुएशन सही करना होता है, पंक्चुअल एडजेक्टिव है, पंक्चुएट वर्ब है। पंक्चुअलिटी इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट पर्सन, वी शैल एनिमिनेट, अगर पुअर को एलिमिनेट कर देंगे, उसे इंडियंस करना ही चाहते हैं, हमें एलिमिनेट क्या करना चाहिए, गरीब नहीं, गरीबी, पॉवर्टी। द रेन ब्रॉट सम डैश रिलीफ, सम रिलीफ, सुकून दिया है, लाइक ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेस्ट फायर था, वाइल्ड फायर, उसके लिए भी। यू मस्ट चूज बिटवीन द रिचनेस एंड विजडम, अमीरी और ज्ञान में चूज करना पड़ेगा। डैश इज ब्यूटी, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी। एवरी ईयर वी गो ऑन अ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा होता है, पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थ यात्री, हम हर साल तिरुपति को एक तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। मृदुला डज हर वर्क विथ सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, आई ओ एन और वाय लगकर अक्सर क्या बनते हैं, नाउन, तो नाउन के सफिक्सेस अच्छे से कर लें, हमें कैसे पता चलेगा वो वर्ड नाउन है या नहीं है। विद दिस योर नाउन कम्स टू एन एंड, कोर्स के लास्ट में कुछ और ऐसे सच सफिक्सेस पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा वो नाउन है, कैसे पता चलेगा वो एडजेक्टिव है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो याद कैसे रहेगा, बताना तो आसान ही है। पहली चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि पहले उन्हें फिल्टर करें, जो आपको नहीं आते हैं कोई भी किताब उठाएं, मेरा मेरी माने तो रेनन मार्टिन ही उठाएं, क्योंकि बाकी सब ने उसे कॉपी पेस्ट मारा है, उसमें से सारे निकाल कर लिख लें जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, जो आते हैं उसको काट दें उसी बुक में से, ये तो पढ़ना ही नहीं है, जो नहीं आते उनको निकाल कर अपने रजिस्टर में लिख लें, ताकि अगली बार आपका रजिस्टर आपके अकॉर्डिंग हो, बाकी आपकी चॉइस है। आई जस्ट कैन सजेस्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज, अ टीचर इज जस्ट अ कैटलिस्ट, कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एनी रिएक्शन, बाकी आप झूठ बुलवाएं तो मैं भी दिन रात एक कर सकता हूँ आपके सिलेक्शन के लिए, जो शायद कोई नहीं कर रहा होगा, बट ऑन अ सीरियस नोट जो कह रहा हूँ उस बात को मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, बुक को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें, रेस्ट इज योर चॉइस, आई कीप ऑन डूइंग माय वर्क विद ऑल द सिंसियरिटी, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड।